हम लेके चलते हैं अपनी कार की तरह। आइए। वो रही अपनी कैरावैन। हमने सोचा यहीं पे ही रुके, तो यहीं पे ही कैंपिंग करने का सोचा और फिर कैंपिंग की यहीं। और आज यहाँ पे रुकेंगे, आज रहेंगे। पानी पानी की व्यवस्था हो चुकी है, लकड़ियों की व्यवस्था हो चुकी है। आज ही नहाएंगे, आज ही कपड़े पहनेंगे, कल निकलेंगे। जीवन में कुछ अच्छा, कुछ अलग सा करने के लिए जरूरी नहीं कि बहुत लंबे रास्ते तय किए जाएं। हमने भी यही सोचा और पहुंच गए पुष्कर की ओर, इस प्राकृतिक सुंदर और मोहक वन्य भूमि की ओर। रात की ठंड का इंतजाम हमने शाम से ही करना शुरू कर दिया, जमीन साफ की और फिर बसने लगा जंगल में हमारा छोटा सा आशियाना। आज रात का भोजन एक विशेष प्रकार के चूल्हे पे तैयार होना था, जिसे गड्ढा खोदकर बनाया जा रहा था। जैसा कि मास्टर शेफ ने हमको कहा था, बारीक बारीक धनिया काटा जाना चाहिए। देखिए आप, बारीक धनिया काट कर हमने तैयार कर दिया है। और इस तरफ जैसा मास्टर शेफ का निर्देश था, ये बारीक प्याज यहाँ काटे गए हैं और ये बारीक टमाटर। एक तरफ स्वादिष्ट भोजन बनना शुरू हुआ तो दूसरी तरफ हमने आसपास की जगह को सुंदर मोमबत्तियों से सजाया। ओम ब्रह्मांडम 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 ब्रह्म कर्म समावधम। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। इन आग की बढ़ती लपटों के साथ हमारा रोमांच भी बढ़ता जा रहा था। और फिर दौर शुरू हुआ अंताक्षरी का। गूगल लीजिए यार, आपको जो जानकारी वो बताओ। अंताक्षरी खेल लाइट लाइट प्रोलॉग सर का ये बताओ, तोड़-मरोड़ नहीं करना। बताओ बताओ राहों में उनसे मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे बात हो गई। पर इस जंगल में हम दो शेर चल कर जल्दी हो गई देर। माइन माइन तेरे मुंडे पे बोल बोल रहा है कागा, जो गंद हो गई तेरी मुंडे री मन जो की संग लागा। रात के बढ़ते प्रहर के साथ अग्नि का ताप भी थम गया और हमारा उत्साह भी।
आज फिर एक और सर्द और हसीन सुबह। यम वैदिका मंत्र दशा पुराणा इंद्रम यमम मातरिश्वानमाहु वैदांतिनो निर्वचनीयमेकम् यम ब्रह्म शब्देन विनिर्दिशन्ति। और फिर हमने जंगल में क्रिकेट का आनंद लिया। जब मैं आ रहा था अपने घर को देखने के लिए तो फिर ऐसा चौका पड़ा कि मेरे सर के ऊपर से गई पीछे तक। सुप्रभात। मौज मस्ती में बच्चे भी कहां पीछे रहने वाले थे। उनके घर घर के खेल में सेकी जा रही थी गर्मा गर्म रोटियां। नहीं, रोटी सेकते अब दाल तो बना ली, रोटी सेकते थोड़ी। इस बीच कुछ मेहमान भी हमारे घर पधारे। अच्छा, और था की बकरियां। बारी बारी से स्नान और फिर आज सुबह का नाश्ता। यूं ही परस्पर स्नेह और मौज मस्ती करते करते अपने मोटर होम कारवां भारत के साथ हमारा आज का सफर पूर्ण हुआ। अगली बार मोटर होम लाइफ के एक और किस्से के साथ आपसे फिर मिलेंगे। देखते रहिए कारवां भारत। इट्स ऑल अबाउट मोटर होम लाइफ इन इंडिया। लकड़ी की काठी, काठी पर घोड़ा, घोड़े की दुम पे मारा।